दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सपने देखने के दौरान हमारी आंखें क्यों हिलती हैं। सपना देखना एक आम बात है, लेकिन सपने देखने के दौरान हमारी आंखों का हिलना कोई आम नहीं है। शायद आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा, जब भी हम सपना देखते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम सपने में क्या देखने वाले हैं। ये देखा गया है कि जब हम सपना देखते हैं तो हमारी आंखों में कुछ हलचल होती है। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार रूप से बताने वाले हैं। वैज्ञानिकों के नए अध्ययन से इसकी वजह सामने आई है और ये चूहे के दिमाग पर अध्ययन करने पर पता चला है। कहा जाता है कि हमारी आंखें सपनों का एक आईना होती है। जिस तरह का हम सपना देखते हैं, हमारी आंखें भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करती है। जब हम कोई साधारण सा सपना देखते हैं तो हमारी आंखों में कम हलचल होती है, लेकिन हम कोई बहुत भयानक या अजीबोगरीब सपना देखते हैं तो हमारी आंखों में ज्यादा हलचल नजर आने लगती है। कई दशकों से इसके पीछे की वजह खोजी जा रही थी, जहां एक अध्ययन से ये जानने का प्रयास किया गया है कि पुतली के पीछे आंखों का संचालन और तंत्रिका के बीच में संबंध क्या है। इंसानी दिमाग की जगह चूहों के दिमाग पर शोध किया गया, क्योंकि चूहे भी इंसान की तरह ही अनुभव करते हैं, जिसमें ये पाया गया है कि नींद के दौरान चूहों की आंखें वैसे ही हिलती है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, जिससे ये कहा जा सकता है कि सोते समय इंसान की आंखों का हिलना भी दिमाग में होने वाली उथल पुथल पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आंखों के अंदर इस तरह की दृश्य सपना देखते समय ही नहीं होता, बल्कि कई बार जब आप सपना नहीं देख रहे होते हैं तब भी ऐसा नजर आता है। खास तौर से ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो दिमागी रूप से कल्पना करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसके साथ ही छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है जो बहुत नन्हे हैं। उनके अंदर अभी कल्पना करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए भी उनकी आंखों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छाजी.com।